आज का प्रातः क्लास है सत्ताईस आठ चौसठ गुरुवार चौदहवां पेज। रिकॉर्ड चला है एक तू मात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवाले हो। ये कहते हैं ना, एक तो राधे को मुरली सुनाई देते हैं, परंतु नहीं, ये राधे वादे की तो बात ही नहीं। यहाँ तो सरस्वती माता है जिनको बाप ज्ञान का कलश देते हैं। कहते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज, अभी गॉडेस ऑफ नॉलेज तो सरस्वती को कहा जाता है, तो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज किसकी बच्ची? ब्रह्मा की बच्ची। जरूर फिर उनसे गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो फिर वो भी होगा। अच्छा, फिर ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। और शिव बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो निराकार है शिव और साकार है बाबा, तो शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा। तो पहले कौन हुआ और बाद में कौन हुआ? शिव बाबा पहले और ब्रह्मा बाद में। तो वो शिव बाबा ज्ञान का सागर बरोबर, नॉलेजफुल उनको कहा जाता है। किसने बोला? किसके तने में बोला? नॉलेजफुल उनको कहा जाता है, इनको नहीं। इनको माना ब्रह्मा को नहीं कहा जाता। उनको कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट भविष्य में बजने वाला है। वाणी तो 27864 की है, तो कहेंगे बरोबर ब्रह्मा को नॉलेज मिली। किससे मिली? है शिव बाबा से मिली और ब्रह्मा द्वारा मिली पुत्री को। कौन पुत्री? सरस्वती पुत्री।
तो वो भी नालिश फुल हो गई। अभी राधे के लिए तो कोई नालिश फुल कहते नहीं है, है कोई? कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। गॉडेस ऑफ नॉलेज राधे को नहीं कहते हैं। अगर गॉड ऑफ नॉलेज कृष्ण को कहें तो राधे को तो जरूर कहना पड़े, क्योंकि राधे कृष्ण तो साथ ही हैं। देखो कितनी है इन सब बातों के ऊपर, सभी पॉइंट्स तो इकट्ठी नहीं आती हैं, परंतु पॉइंट्स तो बहुत होती हैं। जो अच्छी तरह से धारण करने वाले वो बड़ी अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इसलिए स्कूल में समझाने वाले नंबरवार भी हैं। अभी तो बाबा अपन को कहेगा हम थोड़ा भी समझा रहे हैं, थोड़ा कब समझा रहे हैं? कब तक के लिए बोला? सन 64 तक के लिए बोला कि हम थोड़ा समझा रहे हैं, बहुत समझानी तो बाद में देनी है। ये कहेंगे कौन कहेंगे हैं? ये कहेंगे कि इसलिए हम तो चश्मा पहन लेते हैं। किसने बोला है? हम किसने कहा? हम चश्मा पहन लेते हैं ये कहेंगे भविष्य में है। हमको तो कुछ भी नहीं है। किनको? शिव बाबा को तो कुछ भी नहीं है। अंधे का अंधे ही बरोबर, ये मिसाल तो समझाते आए हैं। कौन चूचे हैं, कौन फलाने हैं? ब्रह्मा के ऊपर भी बहुत मुजहरा पड़ता है। तो वो है अव्यक्त ब्रह्मा और ये है व्यक्त ब्रह्मा। प्रजापिता वो तो जरूर चाहिए। कौन, व्यक्त या अव्यक्त? प्रजापिता जरूर कौन चाहिए? व्यक्त चाहिए।
जरूर क्यों लगाया? क्योंकि जब तक प्रजा है मनुष्य सृष्टि में, तब तक प्रजापिता का भी पार्ट है। और बाप को आना है, जरूर आना है। क्या 64 में आया नहीं था? आया था, लेकिन जैसा नाम पड़ा ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी मामा ने मां, तो दुनिया की बड़े थे बड़ी मां उस रूप में आया, इसलिए बोला बाप को आना है जरूर। बहुत जन्म के अंत के भी अंत वाले जन्म में बहुत जन्म, कितने? 84 जन्म। तो 84 जन्म के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। 84 जन्म का अंत कब हुआ है? कब? 36। 84 जन्म के अंत के भी अंत, 76 कहेंगे। 84वां जन्म था प्रजापिता का 36 में, और फिर उसका अंत कब हुआ? 76। 100 पूरे हुए, 36 में 60 का था, वानप्रस्थ अवस्था। तो बोला बहुत जन्म के अंत के भी अंत वाले जन्म में, तो संत का भी जंत का जन्म कौन सा हुआ? जो उनको ही कहते हैं और उनका ही नाम रखते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये हो गया व्यक्त कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा हो गया व्यक्त, और वो है अव्यक्त। व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए, और अव्यक्त जो इन आंखों से न देखा जाए, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है। इन आंखों से कोई उस प्रजापिता को नहीं देख सकता, इसलिए बोला ये है व्यक्त और वो है अव्यक्त। बच्चों को ये समझाना पड़े कि यही व्यक्त ब्रह्मा, उनकी सारी कहानी है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। न कि प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और प्रजापिता ब्रह्मा की रात, नहीं,
प्रजा पिता ब्रह्मा के लिए तो आदि में भी कहेंगे दिन, मध्य में भी कहेंगे दिन और अंत में भी कहेंगे दिन। ये ब्रह्मा की बात है, दादा लेखराज की, जिनको ज्ञान सूर्य प्रैक्टिकल में व्यक्त में दिखाई नहीं पड़ता, यज्ञ के आदि में दिखाई पड़ता था, दिखाई पड़ा नहीं दिखाई पड़ा। क्यों नहीं दिखाई पड़ा? है नहीं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ा कि बाप कहते हैं पहले अपन को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। आत्मा न समझा, देवान में रहे तो बाप की याद भी नहीं आ सकती। तो यज्ञ के याद में दादा लेखराज ब्रह्मा ने बाप को इसीलिए नहीं पहचाना कि देवान में था, मैं मालिक हूं और ये मेरा नौकर है। कौन? भागीदार बल मैनेजर था दुकान का, परंतु दुकान का मैनेजर भी तो नौकर ही होता है कि नहीं होता है? नौकर ही होता है। तो ये देह बांध रहने के कारण बाप को नहीं पहचाना। जो बाप ज्ञान का बीज डालने वाला है, साक्षात्कारों का अर्थ देने वाला था, कि तुम ही सफेद पोष ब्रह्मा, सतयुग में तुम्हें कृष्ण बनना है, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार का भी अर्थ बताया कि विष्णु कोई चार भुजाओं का नहीं होता है, चार भुजाएं माने नई सृष्टि के निर्माण में चार सहयोगी आत्माएं, 100% सहयोगी, तन भी स्वाहा, पूरा धन भी स्वाहा। तो तन मन धन तीनों स्वाहा, समय भी स्वाहा, संपर्क भी स्वाहा, संबंध भी स्वाहा। ऐसी सहयोगी चार भुजाएं ईश्वर के नई दुनिया के नवनिर्माण के कार्य में पूरी सहयोगी बनती है। जिनका यादगार है विष्णु चतुर्भुज, तो बोला जो चार भुजाएं हैं
विष्णु की भुजाएं, तो विष्णु पहले है या ब्रह्मा पहले है? ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु। तो कौन से ब्रह्मा की दिन और रात गाई होगी? है फर्स्ट नंबर ब्रह्मा या सेकंड नंबर, थर्ड या फोर्थ? और ब्रह्मा के तो पांच मुख भी दिखाई जाते हैं। तो कौन से ब्रह्मा की रात होती है? जिसका टाइटल है चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, रोशनी में भी आता है और अंधेरे में भी आता है। बाकी फिर प्रजापिता कौन? जो आज में भी विष्णु, सृष्टि के आदि में पहले पहले कौन? विष्णु। जो आदि में सो अंत में भी विष्णु। तो जरूर वो भुजाओं को चलाने वाला होगा। भुजाएं तो जड़ होती है, जड़त्वमयी बुद्धि। चलाने वाला तो चैतन्य आत्मा। तो ये 5000 वर्ष की सारी कहानी बनती है ब्रह्मा की। ब्रह्मा दिन में और ब्रह्मा रात में। ये जो ब्रह्मा व्यक्त है वो अभी रात है। अभी बने कभी है 64 की बात। जो फिर दिन बन रहा है अभी ये पतित है। जो पावन बन रहा है तो इसलिए ये ब्रह्मा को दिखाते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। और प्रजापिता सो तो यहां ही होगा। कि सूक्ष्म वतन में होगा, यहाँ प्रजा 500-700 करोड़ मनुष्यों की प्रजा, और वहीं प्रजापिता भी होना चाहिए। 500-700 करोड़ में से एक भी इस सृष्टि पर मौजूद तो प्रजापिता को भी कहाँ रहना पड़े? किसी साकार सृष्टि पर मौजूद रहना पड़े। अगर कहेंगे इनका अंतिम जन्म क्या है, किनका? इनका, इनका माने दादा लेखराज ब्रह्मा का अंतिम जन्म क्या है?
तो कहेंगे लेखराज या लखीराज। पर वो तो प्रजापिता बन नहीं सकता है, कौन? लेखराज ब्रह्मा। ये इतने सभी जो ब्रह्मा बाबा कहते हैं, कौन सभी? जो भी उस समय ब्रह्मा कुमार कुमारी सामने बैठे थे, उनके लिए बोला, ये इतने सभी जो मम्मा बाबा कहते हैं, इनको तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। शास्त्रों में एक दक्ष प्रजापति है, लाख भवन को आग लगी, देखो उनमें कुछ न कुछ असर आ जाता है। किसमें? शास्त्रों में लाख भवन को आग लगने की बात आई ना, तो शास्त्रों में थोड़ा असर आया, अर्थात सच्चाई आई, परंतु शास्त्रों में तो फिर भी उल्टा सुल्टा बनाई दिया है। क्या उल्टा सुल्टा बनाई दिया है? कि लाख का भवन बनाया, लाख जिसकी पहले चूड़ियां बनती थी, स्टाम्प लगाने में काम आती है, जलने वाली चीज है, तो कोई लाख का भवन थोड़े ही बनाया। बोलो, प्रजापिता तो जरूर चाहिए, इससे पहले अर्थात सन 64 से पहले संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय था, प्रजापिता शब्द नहीं जुड़ा हुआ था। फिर शिव बाबा ने याद दिलाया कि प्रजापिता अक्षर तो जरूर चाहिए, क्योंकि प्रजा यहाँ रचते हैं, कहाँ? साकार सृष्टि में रचते हैं, कोई सूक्ष्म वतन में प्रजा नहीं रची जाती है। तो कौन सी प्रजा अभी रचते हैं? है उस प्रजा का नाम क्या है? अरे शूद्रों की प्रजा रचते हैं, वैश्यों की रचते हैं, क्षत्रियों की रचते हैं, देवताओं की प्रजा रचते हैं, कौन सी रचते हैं?
ब्राह्मणों की प्रजा रचते हैं। तो ब्राह्मण शब्द कब बनता है? किसकी औलाद ब्राह्मण है? कहेंगे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। और रचते कौन है? ब्रह्मा द्वारा तो रचते हैं, इसलिए ब्राह्मण हुए। परंतु ब्रह्मा द्वारा रचने वाला कौन, बीज डालने वाला कौन? जैसे गीता में आया है, हम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूँ। तो क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा क्रिएटर है या बीज डालने वाला पिता क्रिएटर है? ब्रह्मा क्रिएटर तो नहीं है। क्रिएटर तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, जिसके हम सभी बच्चे हैं। तो अब वो परमपिता परमात्मा आवे किसके तन में? उनको पतित तन में ही आना होता है। तो बरोबर श्री कृष्ण सो ही पतित बन करके फिर उनका नाम बाबा धर देते हैं। कौन धर देते हैं? श्री कृष्ण का नाम बाबा धर देते हैं। तो श्री कृष्ण क्या है? नई सत्यु की दुनिया में श्री कृष्ण प्रिंस है या डायरेक्ट नरसिंह नारायण है? रचना है या रचयिता है? कहेंगे रचना। तो प्रजापिता ब्रह्मा नाम आता है क्योंकि अडाप्ट होते हैं। जैसे हम लोगों का भी नाम बदल दिया है, तैसे हम भी नाम बदली किया। फिर ये पतित ब्रह्मा जिसका नाम रखा जाता है तो वो उन जैसा बन जाते हैं। उनके लिए लक्ष्य है कि ऐसे फरिश्ता बन जाते हैं। ऐसे पावन बन जाते हैं। कैसे? उनके लिए लक्ष्य है, इनके लिए नहीं। किनके लिए लक्ष्य है? है? लक्ष्य है कि ऐसे फरिश्ता बन जाते हैं, ऐसे पावन बन जाते हैं। तीनों पुरियों में
जो सूक्ष्म बतन की तीनों पुरियां हैं, उनमें तीन फरिश्ताएं दिखाई गए। उन तीनों में से उनके लिए लक्ष्य है कि ऐसे फरिश्ता बन जाते हैं, ऐसे पावन। तो हम ब्राह्मण सो पावन बन पहले फरिश्ता बनते हैं, पीछे देवता बनते हैं। शंकर को क्या कहेंगे? कहते तो है देव देव महादेव, पर तो शिव बाबा तो मुरली में कहते हैं कि देव देव महादेव वो भी मैं ही हूं। दिव्य पाठ कोई साकार का नहीं है, साकार तो पहले पतित है, पतित के बाद पुरुषार्थ संपन्न होने पर फरिश्ता बनते हैं। फरिश्ताओं का सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, लाइट का शरीर, जैसे झाड़ के चित्र में ऊपर शंकर का चित्र दिखाया है। फरिश्ते उसको ही कहा जाता है जिसको हड्डी और मांस न हो। 27:8-64 की वाणी का 15वां पेज। अगर हड्डी और मांस हो फिर तो देवान वाला हुआ या आत्मा भी बनी हुआ। सूक्ष्म बतन में हड्डी और मांस नहीं होता है। सूक्ष्म बतन तो मन की सूक्ष्म स्टेज है। कर्मेंद्रियां हड्डी और मांस से बनी हुई होती हैं। मन की सूक्ष्म स्टेज मनन चिंतन मंथन वाली होती है, इसलिए हम फिर परिश्ते बनते हैं। पीछे मुक्तिधाम में जाकर के बाद में देवता बनते हैं। फरिश्ते से मुक्तिधाम क्यों बोला है? फरिश्ते को हड्डी मांस से मुक्त हुआ ना, तो फरिश्ता भी मुक्तिधाम वासी होना चाहिए ना। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। मन के बंधन में है या नहीं है? संकल्प और विकल्पों के बंधन में है। बाप के घर में तो वही आत्माएं पहुंचेंगी जो संकल्प और विकल्प से परे हो जाएं, मुक्त हो जाएं। मन के बंधन से भी मुक्त। तो इनको फरिश्ता कहते हैं।
जो मन के बंधन से मुक्त नहीं होते, फर्श की दुनिया वालों के बंधन से मुक्त होते हैं। एंजल्स अंग्रेजी में नाम है, हिंदी में भी है, वो फरिश्ता किसको कहा जाए? देवताओं को देवता कहा जाता है। और यहां इस सृष्टि में मनुष्य का जन्म होता है तो फरिश्ता किसको कहा जाए? तो फरिश्ते फिर सूक्ष्म बतन में हैं। फरिश्तों को हड्डी और मांस नहीं होता है। सूक्ष्म बतन वासियों को ये हड्डी मांस नहीं होते हैं। वहां जो ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखलाते हैं उनमें कोई हड्डी मांस थोड़े ही है। अर्थ समझाया जाता है कि ये ब्रह्मा सो अव्यक्त बनना है। ये ब्रह्मा पतित सो पावन बनना है। अभी ब्रह्मा को हम पतित इसमें कह सकते हैं ना? ऐसे तो नहीं है कि बाबा ने प्रवेश किया, दादा लेखराज नाम बदल करके ब्रह्मा रखा तो पावन हो गए। नहीं, नाम रखा मना काम का पता चलना चाहिए। नाम बदलने के बाद फिर हम पावन होते रहते हैं। नाम बदलते हैं जब उनके बच्चे बनते हैं। फिर भी देखो बच्चे भी बनते हैं तो भी बच्चे फिर भागंती हो जाते हैं। मर जाते हैं, उसको कहा ही जाता है कच्चे। कोई कच्चे मर जाते हैं, माताएं होती है ना, कोई का थोड़ा ही बाहर निकला और ये मरा। क्या बाहर निकला? बच्चा पैदा होता है ना तो बोला कोई का थोड़ा ही बाहर निकला और ये मरा। कोई का तो पेट में ही मर जाता है। नौ महीने का पेट होता है ना, तो मिसाल दिया यहां भी नौ दिन की भट्टी है। जैसे नौ महीने के गर्भ में बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है, अंदर ही खाना पीना सब कुछ मिलता है,
बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट, चिट्ठी भी नहीं लिखने देते, फोन भी नहीं करने देते, तो कोई बत्ती से बाहर भी नहीं आने पाते, अंदर ही मर जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते, बीच में ही भाग जाते। अपना बताने के लिए दूर ही रहते हैं और बोलते हैं, कहते हैं ईश्वर के बच्चे हैं और वहीं मर जाते हैं। यानी पता भी नहीं पड़ता है कि कोई है, और गिरते भी बहुत हैं। अच्छे अच्छे पुराने बुड्ढे होकर के मर जाते हैं, 20-20, 25-25 वर्ष के भी मर जाते हैं, वो तो ऐसे कहेंगे ना, 25 वर्ष का बाबा का बच्चा हूं, वो भी मर जाते हैं। 36 का भी, 40 का भी होकर मर जाते हैं। कोई है जो 36 और 40 के होकर के भी मर जाएंगे, जिसका होगा ड्रामा में, कि बाबा को मिली और फिर कह देती मर गई, छोड़ दिया तो फिर कहेंगे मर गई। ईश्वर की तरफ जन्म लिया, मर गया तो कहेंगे माया की तरफ मर गई, मर गया। वर्षे का अर्थ ही है राजाई का वर्षा पाना, ये राजाई का वर्षा एक ईश्वर के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। नाम ही है ईश्वर, वर माने श्रेष्ठ, ईश माने शासन करने वाला, ईश्वर माने श्रेष्ठ शासन करने वाला, तो क्या देगा है? शासन करने की सिफ्त ही देगा ना, इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये पुरुषार्थ है भी बहुत सहज, भूख तो मरना नहीं है, है? कठिन है क्या? ऐसा पुरुषार्थ करने वाले कोई को भूख नहीं मरना है। कभी भी कुछ भी हो जावे, उनको पेट भर मिलेगा जरूर, चाहे दुनिया में कितना भी बड़ा अकाल पड़ जावे। क्यों?
विश्व के भंडारे से भूख नहीं मरना है। क्या गायन है? शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। पेट में जरूर मिलता है। नेशन के ऊपर नेशन वालों को तरस पड़ता है। पारसियों में कोई भूख मरे तो पारसियों को उनकी सेवा करनी है। तरस तो पड़ता ही है ना। तो ये भी ऐसे ही है। सर्वसेवुल ब्राह्मण हो तो भूख कभी नहीं मर सकते। और सेवा करने से ही इसी जन्म में खुशी का मेवा भी मिलता है। और जो जितनी ईश्वरीय सेवा करते हैं उतना राजभाग भी मिलता है। तो जो बाप के राजाई प्राप्त करने वाले बच्चे हैं वो भूख कैसे मर सकते। इधर तो नहीं मरेंगे माना, उधर भले मर जाएं माना है। इधर माने क्या? इधर सूर्यवंशी ब्राह्मण कुल में रह करके भूख नहीं मर सकते। सूर्यवंशियों से छिटक करके दूसरे वंश में चले जाएं। चंद्रवंशियों में चले जाएं, इस्लाम वंशियों में चले जाएं, बौद्धी क्रिश्चियन वंशियों में चले जाएं, तो भले भूख मरे। और हजारों लाखों करोड़ों ही मनुष्य भूखे हो करके मर जाएंगे। कब? जब अकाल पड़ेगा। हम भूख नहीं मरेंगे। जो बच्चे होंगे वो बच्चे ठहरे ना। मातेले बच्चे हुए ना, 100 तेलों की तो बात ही नहीं। क्या कहा? है एक 108 राजाओं की माला है ना, उनमें 8 तो हुए पक्के सूर्यवंशी। और 4 है कच्चे। एक 108 में से 12 निकाल दिए, कितने बचे? 100। 108 में से 12 निकाले तो 100 बचे है। कितने बचे? 96। अरे 12×8=96। कितने बचे? 96। तो ये 96। क्या 96 में कौन आए है?
वो पक्के निश्चय बुद्धि नहीं आए, जो कच्चे हैं, कन्वर्ट होने वाले हैं वो 96 की लिस्ट में है। वो और उनके फॉलोअर्स मर सकते हैं, बाकी बाप के बच्चे भूख नहीं मर सकते हैं। सौतेले कितने हुए है 8 धर्मों से, जो परवर्ती 8 धर्म है उन 8 धर्मों से कनेक्टेड 12 के ग्रुप। बारह इंटू 8 कितने हुए 96 हैं। वो 100 के अंदर है या 100 के बाहर है? 100 के अंदर है, 96 ही तो है, 100 कहाँ है। वो सूर्यवंशियों में से 4 है, बारह सूर्यवंशियों में से 8 को छोड़कर वो 4 और ऐड किए तो 96 और 4 कितने हुए 100। उनके फॉलोअर्स भूख मर सकते हैं क्योंकि 100 तेले हैं। बच्चे भूख नहीं मर सकते हैं, मूल वतन को याद करना है। क्योंकि जानते हो कि वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे, सूक्ष्म वतन माने है कर्म इंद्रियों का वतन नहीं, वहां मन ही काम करता है, हड्डी मांस की इंद्रियां काम नहीं करती। मनन चिंतन मंथन करेंगे तो अपने 84 जन्मों को जान जाएंगे। ऐसी जानकारी हो जाए, हु एम आई, मैं आत्मा कौन, किस वर्ग की आत्मा हूं, माला में कौन सा नंबर है अथवा कौन सी माला में आने वाला हूं, हिसाब को सूक्ष्म वतन में पता पड़ेगा। इसलिए आत्मा रूपी सभी पार्टधारियों को सूक्ष्म वतन में इकट्ठा होना पड़े। कोई सीधे परमधाम नहीं जाएंगे, और याद फिर मूल वतन बाबा को करना है। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान लकी सितारों प्रति मात पिता, बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यारो, गुड मॉर्निंग। ओम शांति।